सैनिक द्वारा पुलिस वाहन को आम जनता की सुविधा के लिए सभी थानों पर तैनात किया गया था, लेकिन अब इसका परिणाम उल्टा देखने को मिल रहा है। 112 वाहन के ड्राइवर और जवानों की अक्सर शिकायत मिलती रहती है। ऐसा ही एक मामला मुजफ्फरपुर के मनियारी से सामने आया है। यहाँ भी थाना पर डायल 112 वाहन है। इसके ड्राइवर पंकज कुमार वसूली करते एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वह अवैध तरीके से हाईवे और खासकर ग्रामीण क्षेत्र में बाइक सवार से बिना किसी गड़बड़ी के रुपए की उगाही करता है। उसकी हरकतों से पूरा मनियारी थाना परेशान हो चुका है। उसके खिलाफ लगातार शिकायतें भी मिल रही हैं। बताया जा रहा है कि हाल ही में रात में हाईवे से गुजर रहे बारातियों से भी वाहन चेकिंग के नाम पर रुपए वसूली करने का प्रयास किया, लेकिन इसकी जानकारी होने पर मनियारी थाना के थानेदार कुमार संतोष रजक ने एक्शन लिया और बारातियों को छुड़ाया। इसके बाद चालक के खिलाफ रिपोर्ट भी की। पुलिस कर्मियों का कहना है कि 112 के चालक की लगातार शिकायत मिल रही है। इसमें आम लोगों के साथ पुलिसकर्मी भी परेशान है। वह नगर थाना क्षेत्र के अखाड़ा घाट का रहने वाला है। बताया गया है कि 112 का चालक पुलिस विभाग में संविदा पर बहाल है। इधर एसएसपी जयंत कांत ने बताया कि वीडियो वायरल होने की सूचना मिली है। इसकी एक सक्षम पदाधिकारी से जांच कराई जा रही है। जांच रिपोर्ट मिलने पर आगे की कानूनी कार्यवाही की जाएगी। सर्व सुविधा युक्त नेशनल हॉस्पिटल समान तिराहा रीवा में अब कैंसर का सफल उपचार और ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है। हमारे यहाँ मिल रहा है आयुष्मान भारत निरामय योजना का लाभ। आयुष्मान जन आरोग्य योजना के तहत सभी प्रकार के मेडिक्लेम की सुविधा उपलब्ध है। हमारे यहाँ लेजर कैंसर, अस्थि रोग, एंडोस्कोपी, लेप्रोस्कोपी एवं प्रसूति रोग का अनुभवी चिकित्सकों के द्वारा उपचार किया जाता है। कैंसर के इलाज एवं ऑपरेशन अब रीवा के नेशनल अस्पताल में उपलब्ध है। नेशनल हॉस्पिटल के संचालक डॉक्टर अखिलेश पटेल के द्वारा उपलब्ध करवाई जा रही हैं सभी सुविधाएं। आयुष्मान से संबंधित किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए संपर्क करें मोबाइल नंबर 9691288560 पर या फिर संपर्क करें 7566831551 पर। हमारा पता है नेशनल हॉस्पिटल समान तिराहा रीवा। संपर्क करें 07662359974 पर या फिर संपर्क करें 8602888590 पर।